हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम अभी है यमुना नगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम सभी जा रहे हैं ट्रेन से ऋषिकेश। तो हम जा रहे हैं हरियाणा से ऋषिकेश। मुझे पहली बार मौका मिला है जनरल वाले डब्बे में बैठने का। मैं मतलब डब्बे का हालत देख के मतलब दंग रह गई कि लोग कैसे फर्श पे सोए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब देख करके मेरा दिमाग शॉक्ड हो गया था कि हाँ, ऐसा भी डब्बा होता है रेल का। मैंने सुना था बट पहली बार इस पे सफ़र करके महसूस किया कि जनरल का डब्बा कितना पेनफुल होता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार और फिर हम खाते पीते बातें करते हुए आगे बढ़ चले हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। फिर एक अंडरग्राउंड होते हुए हमारी ट्रेन जा रही थी, अचानक से सबको चिल्लाने लगे। मतलब देखने लायक थी वो सीन। फिर ये खूबसूरत काफ़ी मतलब ऋषिकेश पहुँचते वहाँ की मतलब खुशबू ही अलग थी। कितना ठंडा ठंडा, गर्मी तो थी बट वहाँ का वातावरण मतलब सुकून भरा था। क्या हरियाली थी, नदी, मतलब क्या मानना पड़ेगा देवभूमि ऋषिकेश इसलिए कहा जाता होगा। मतलब उस जगह देवताओं की वास होगी, इसीलिए इतनी मतलब सुकून वाली मौसम वहाँ पर है। सो फाइनली कुछ ही घंटों में हम पहुंच गए, एक घंटा भी नहीं लगा होगा आई थिंक, और हम पहुंच गए ऋषिकेश। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अभी अभी ट्रेन से उतरे हैं और जा रहे हैं नीचे की ओर। तो चलिए देखते हैं। ये है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन और पास में ही रेल वाटिका लिखा हुआ है ऋषिकेश का, जो कि मतलब ठीक ठाक था। काफ़ी जंगल हो चुका था वहाँ, साफ सफाई नाम की चीज़ नहीं थी। फिर अब हम जा रहे हैं, ये है लक्ष्मण झूला। मुझे कंफर्म नहीं पता कि कौन, एक तो पता है कि हाँ वो लक्ष्मण झूला है जो हम लास्ट में दिखाएंगे आपको। ये सीता झूला या राम झूला ये मुझे नहीं पता। सो काफ़ी अच्छा लगा देख के, मतलब पहले मोबाइल में देखा करते थे यहाँ राम झूला लक्ष्मण झूला, पहली बार हमें वहाँ पे जाके महसूस हुआ। मतलब गंगा नदी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मतलब मत पूछिए। और फिर वहाँ पे हमें इस तरह का माहौल देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। ऋषिकेश के गलियों में घूमते हुए क्या सुकून, क्या आनंद मिलता है। जिंदगी में एक बार तो जरूर आप ऋषिकेश जरूर आओ। फिर यहाँ पे चेहरा वगैरह धोने के बाद एकदम चेहरा फ्रेश हो गया, नहीं तो इतने थकान से परेशान हो गए थे। बट क्योंकि सुबह 5 बजे निकले थे तो चेहरे पर थकान तो आपको नज़र आएगी ही, बट नदी से धोने के बाद, पानी से चेहरा धोने के बाद मतलब चेहरा चमक गया था। फिर हमने जो यहाँ पे मंदिर है और साथ ही गीता भवन है, सो गीता भवन के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर 1000 से भी अधिक कमरे हैं और आप फ्री में वहाँ पर रह सकते हैं। 30 रुपये में नाश्ता और 50 रुपये में खाना खा सकते हैं। आपको वहाँ पर रहने के लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता बट सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, आपको 1000 रुपये लिया जाएगा। उसके बाद जब आप रूम छोड़ते हैं तो वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। हाँ, बट एक बात है कि यहाँ पर आप कपल में जाते हो मतलब फैमिली वाले को ये रूम देते हैं, सिंगल वाले को शायद नहीं देते हैं। कन्फर्म मुझे नहीं पता पर ऐसा मैंने भी सुना है। और वहाँ पर मतलब कितनी सारी वस्तु, मतलब आपको मन करेगा ये ले लूँ वो ले लूँ,
बट हम तो ठहरे स्टूडेंट। और साथ ही हमने देखा गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक दुकान। यहाँ पे मतलब जितने भी अधिकतर धार्मिक पुस्तकें होते हैं, रामायण गीता शिव पुराण, ये सब छपती इसी प्रेस से हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। मतलब सुना करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे, और हमने यहाँ पर आकर देखा। फिर हमने वहाँ पर नाश्ता किया, अच्छा समोसा छोले और चाय पी के मतलब शरीर में ताजगी आ गई। गीता भवन और साथ ही परमार्थ, इन सब जगहों में विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा। गीता भवन, गीता निवास बोलिए। और साथ ही हमें वहाँ पर एक मंकी भी नजर आया, जो कि मतलब क्या मज़े से केले खा रहा था। मतलब इंसानों के बीच रह के वो मतलब बिल्कुल इंसानों जैसे ही हरकत करने लगा था। ये देखिए, वो भी छिलके खाता है, छिलका नहीं खाता। सो क्यूट ना। यहाँ पर बहुत सारे योगा के केंद्र हैं, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, और भी बहुत सारे चीज है। और इस मंदिर में हर दृश्य आपको नजर आएंगे। ये है नरसिंह अवतार, और ये श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। ये परमार्थ निकेतन, यहाँ पर भी मतलब योगा का केंद्र है और बहुत कुछ है। हम तो मतलब अच्छे तरह से घूम भी नहीं पाए इतना। मतलब वहाँ पर जाओ तो आप एक दिन रह के, एक से दो दिन रह के घूमो तो ही आप मतलब पूरा ऋषिकेश के गलियों का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य बने हुए थे, चारों तरफ फूल पेड़ पौधे लगे हुए थे, काफ़ी सुकून भरा जगह है। सो ये रहे अपने साथी भैया, भाभी, सोनी, दीपक, खुशबू, चारों और मैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ घूम के, और हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो गई है। सो गाइस, हम आए हुए ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हमने नदी देखी, और अभी हम जहाँ पे हैं ये है गीता भवन, और चारों तरफ ही गीता भवन यानी कि आश्रम हमें दिखा। और साथ ही गीतापुर एक्सप्रेस गोरखपुर से जो किताबें छपती है वो भी हमने देखा, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। बस दिक्कत है कि हमारे साथ जो फ्रेंड हैं तो वो कोई नहाना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से हमारा भी नहाना नहीं हुआ। और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार में जाकर के सभी नहाने वाले हैं, सो अब वहीं पे नहाना होगा। पर मेरा मन तो था कि मैं यहाँ पर भी नहाऊं। खैर, महादेव की कृपा होगी तो फिर दर्शन होगा और फिर अच्छे से घूमना और नहाना वगैरह हो जाएगा। फिर गीता भवन तो इतनी बड़ी है कि मतलब हम कंफ्यूज हो गए थे कि निकले किधर से। साथ ही गीता भवन में बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, तो उनके खाने पीने रहने, बस पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पर कीर्तन वगैरह आराम से करते हैं। ये रहा वो मंदिर जिसमें कीर्तन हो रही थी, बहुत सारे लोग कर रहे थे। आपकी घंटी की आवाज़ सुन के कितना सुकून लग रहा था। हाँ जी, चलिए बताइए यहाँ के बारे में। भैया जी बताइए, आगे बताएंगे टाइम।
ये फिर से देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर। आपने ये लोगो जरूर बुक में देखा होगा अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। और ये गंगा अपने मजे से बहते हुए। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी, वो वाले देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। हमने वहाँ पे कितनी मस्ती की, गंगा में हम लोग कम से कम, मतलब गंगा में हम लोग 5-6 घंटा नहाए होंगे। मैं तो कम ही नहाई, बाकी हमारे जो फ्रेंड हो गए वो लोग इतने मस्ती किए मतलब बता नहीं सकते। सो आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।